जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो पिछला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहा, जहां पे हमने वॉलिटिटी काफी ज्यादा हद तक बढ़ती हुई देखी। खास करके अगर कल के दिन की बात करें हम, तो कल के दिन में हमने सोने में करीबन लगभग 1000 रुपए की तेजी बनते हुए देखी। नो डाउट चांदी काफी रेंज में रही है। पिछले 15-20 दिन की बात करें तो 62,000 के इर्द गिर्द ही घूमती हुई रही, लेकिन गोल्ड ने कल 51,200 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था ये तोड़ता हुआ दिखा, और कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर अच्छा उछाल लेते हुए हमने 51,750 का जो पिछली बार लेवल बताया था वहां तक जाता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा रेट हाइक की बातें काफी स्ट्रांग हो रही है। कल हमने लेबर डेटा भी जो आते हुए देखा, उसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू रहा। ईसीबी की मीट थी जहां पे हमने देखा कि काफी हॉकी स्टोन होने की वजह से डॉलर में इनिशियली गिरावट जरूर आई थी, बट कहीं ना कहीं डॉलर में फिर से तेजी बनी, लेकिन इन्फ्लेशन कंसर्न्स के चलते सोने और चांदी को सपोर्ट मिलता हुआ। इंटरनेशनल में हमने देखा 1850 के इर्द गिर्द मार्केट मूव कर रहा था, कहीं ना कहीं एक इनिशियल ड्रॉप लगाने के बाद मार्केट में रिकवरी आई और हमने 1870 का भी लेवल पार कर लिया, लेकिन चांदी $22 के करीब इस वक्त भी ट्रेड कर रही है। अगला हफ्ता हो सकता है फेड की रेट हाइक पॉलिसी के चलते सोने और चांदी में इनिशियल एक पुलबैक मिले, जो वापस 51,000 से 51,100 का सपोर्ट गोल्ड में बनता है। अब नई तेजी के लिए 52,200 का लेवल तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो 51,100 के करीब हमें बाइंग करके चलनी चाहिए। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी 62,000 के इर्द गिर्द ही घूमेगा। वॉलिटिलिटी बढ़ती जाएगी, जिसका मतलब है 60,500 नीचे में और 63,200 ऊपर में। जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलती है, मार्केट कहीं ना कहीं साइडवे रहने की उम्मीद है और फेड की पॉलिसी के अपडेट के लिए वेट करेंगे। एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो पूरे हफ्ते के अंदर 2% की तेजी के साथ कच्चा तेल 9400 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन नेचुरल गैस में बड़ी गिरावट के बाद बड़ी तेजी आई और लोअर लेवल से हमने करीबन 4% की तेजी के साथ साथ मार्केट 690 पे बंद होता हुआ दिखा। हमने देखा ओपेक का प्रोडक्शन बढ़ाने के बावजूद प्राइजेस में कोई मटेरियल बड़ा फॉल नहीं आया, जो संकेत देता है कहीं ना कहीं डिमांड में इंप्रूवमेंट है। चाइना में फ्रेश लॉकडाउन बताया जा रहा है वीकेंड में, जिसके चलते हमने देखा एनर्जी डिमांड में कमी आ सकती है, जो हायर साइड पे प्राइजेस को कैप जरूर कर रही है। बट दूसरी ओर जो सेंट्रल इकोनॉमी या सेंट्रल बैंक सभी इकोनॉमी के सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमी को, ये कहीं ना कहीं कच्चे तेल में एक बड़ा उबाल ले सकती है, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स और बाकी बैंकर्स ने भी जताया है कि हम $150 की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी यूरोप और रशिया के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है या सैंक्शंस का जो कंसर्न्स है, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट दे रहा है। टेक्निकली आ जाते हैं तो $112 $113 के नीचे जब तक ब्रांड नहीं जाता है, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, जो $130 तक का भी लेवल दिखा सकता है। वही वेदर में थोड़ा कूल ऑफ होने की वजह से हमने नेचुरल गैस में अच्छी खासी गिरावट देखी थी, बट 640 के सपोर्ट से मार्केट उठता हुआ दिखाई दिया और 700 के करीब आया। अभी भी यूरोप में जो गैस की किल्लत है, जिसके चलते प्राइजेस में गेन ही रहेगा। इन्वेंट्री डेटा और वेदर कंडीशन को देखते हुए हमने पुलबैक जरूर देखा है, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये तेजी कायम रहेगी, जो अपसाइड के अंदर वापस $10 का लेवल करीबन 780 तक का लेवल दिखा रहे हैं, बट वॉलिटिलिटी ज्यादा है। तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति क्रूड में और नेचुरल गैस में बना के रखिए। 9,100-9,150 के करीब आने पे कच्चा तेल लेके चलिए, 9,550 से 9,600 का टारगेट रहेगा। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की अगर बात करें तो हमें लगता है कि 640 का अच्छा लेवल है, यहाँ पे बाइंग करके चलिए, जो 750 का लेवल इमीडिएट में वापस दिखा सकता है। एंड में अगर हम बात करें पूरे बेस मेटल की, तो यहाँ पे हमने देखा कि मल्टीपल फैक्टर की वजह से पूरे बेस मेटल पैक के अंदर अच्छी खासी गिरावट रही है, जहाँ पे डॉलर इंडेक्स में तेजी, कोरोना का कंसर्न वापस चाइना में आता हुआ दिखाई दिया, डेटा पॉइंट भी कहीं ना कहीं कंसर्निंग थे, जिसके चलते पूरे बेस मेटल में हमने गिरावट देखी। कॉपर में 3% की, जिंक में 4.5% की, लेड में 0.5% की, जबकि एल्यूमिनियम में 2% की गिरावट आती हुई देखी है।
अगला हफ्ता भी मार्केट इनिशियली सोमवार और मंगलवार दबाव में रहेगा जिस ढंग से डॉलर में तेजी बनी हुई है और चाइना में कंसर्न्स बने हुए, लेकिन बुधवार के बाद जैसे ही फेड के अपडेट आ जाते उसके बाद बेस मेटल में एक अच्छा खासा उछाल वापस देखने मिल सकता है। सपोर्ट वाइज की बात करें तो 765 768 765 768 का सपोर्ट कॉपर में रहेगा, 316 317 तक का सपोर्ट जिंक में रहेगा, लेड 180 के सपोर्ट से होल्ड करता हुआ दिखाई देगा, जबकि एल्यूमिनियम 225 के करीब आने पे, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्शन है आउटपुट है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है जिसकी वजह से प्राइजेस में दबाव बन रहा है। तो ओवरऑल बेस मेटल में सोमवार मंगलवार और बुधवार गिरावट रहेगी, बट बुधवार के बाद मार्केट में एक सपोर्ट मार्केट लेता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल बेस मेटल में पहले तीन के लिए बिकवाली करके चला जा सकता है, बट सेकेंड हाफ में जो रहेगा वो प्राइजेस वापस पुल बैक आता हुआ दिखा देगा। धन्यवाद। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।